हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि लीगल बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर कौन सा सही सोशल मीडिया होगा आपके बिजनेस के लिए, यानी कि हाउ टू चूज राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन हम कैसे करें, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपके बिजनेस के लिए YouTube, Facebook, Instagram, Google कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस के लिए सही होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस कंप्लीट सेशन में आप सीखोगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का चूज कैसे करना है अपने बिजनेस के लिए, और फिर आप ये जानोगे कि क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर हम बात करेंगे टिप्स के बारे में कि कौन सा सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा आपके बिजनेस के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। तो आपको अपने बिजनेस को सबसे पहले समझना होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, कौन से लोग आपके बिजनेस के लिए ऑडियंस हैं या कस्टमर हैं, और आप कहाँ तक और कैसे पहुँचना चाहते हो, और आपका गोल क्या है। क्योंकि सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक अलग अलग रोल में होते हैं। अगर हम फेसबुक की बात करें तो यहाँ पे करीब 1.3 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं। ट्विटर की बात करें तो यहाँ पे 800 मिलियन लोग हैं। इसी तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कैटेगरी, जैसे यूट्यूब की बात करें तो लगभग 1 बिलियन पीपल हैं वहाँ पे। इसी तरीके से सबका अलग अलग पर्पस होता है। जैसे फेसबुक की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, रिलेशन को बिल्ड करना। तो अगर आप चाहते हैं लोगों से रिलेशन को बिल्डअप करना तो फेसबुक आपके लिए सही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा। अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल शेयर करना चाहते हैं तो ट्विटर आपके लिए सही होगा। अगर आप कुछ चीज़ें सर्च करना पसंद करते हैं तो यूट्यूब आपके लिए सही होगा। अगर आप कोई चीज़ आर्टिकल ढूंढ रहे हैं तो लिंक्डइन आपके लिए सही होगा। इसी तरीके से सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबका अलग अलग पर्पस होता है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेस्ट है, राइट? आपको टीम बिल्डिंग करनी है, आपको लोगों से कनेक्ट होना है, लोगों को हायर करना है, या कोई चीज़ सर्च करनी है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए सही होने वाला है। और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के डाउन साइड भी हैं, तो उन डाउन साइड को भी आपको देखना होगा कि किस में लिमिटेड रीच है, किस में जो फेक अकाउंट्स हैं सबसे ज़्यादा हैं, किस में हम सर्च कर सकते हैं, किस में हम हायर कर सकते हैं। तो सारे सोशल मीडिया का एक अलग अलग रूप होता है। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली कि सारे सोशल मीडिया का अलग 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 उसका सिलेक्शन होता है, अलग अलग उनके काम होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। अगर हम एक सही सोशल मीडिया का सिलेक्शन करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू आपके जो ब्रांड्स हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मोनेटाइज कर सकते हैं। इसके अलावा लीड जनरेट कर सकते हैं, बूस्ट हो सकती है सेल्स में, आप वायरल हो सकते हैं, आप प्रमोट कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और जो सोर्स है कंटेंट का वो भी आपको मिल सकता है। आप एक एस्टैब्लिश ब्रांड बन सकते हैं, जो कम्युनिकेशन है वो आप कर सकते हैं, कस्टमर और ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है उसके बारे में जान सकते हैं, आप जो रेलेवेंट कन्वर्जन है उसके बारे में भी जान सकते हैं, और आप रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने एनालिटिक्स को देख सकते हैं कि कैसे ये काम कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स है सोशल मीडिया का, राइट? अपने बिजनेस के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करने वाली हैं। ये बेनिफिट्स होता है सोशल मीडिया का। और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ब्रांड वैल्यू, आपकी कम कॉस्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, मार्केट में लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं इसके बारे में जान सकते हो, ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बारे में भी जान सकते हो, कहीं ना कहीं जो क्रिएशन है लॉयल ऑडियंस के प्रति आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इफ़िशियंट कम्युनिकेशन है ये भी होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं सोशल मीडिया के, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमें ये समझ आ गया कि सोशल मीडिया के ये फ़ायदे हैं, और हर एक सोशल प्लेटफॉर्म का एक अलग रूप होता है, अलग काम होता है, राइट? इसके अलावा अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि कैसे वो कौन से टिप्स हैं जिससे हम ये समझ पाएं कि ये हमारे लिए सही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने बिजनेस का गोल समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस का एग्जैक्ट गोल क्या है,
कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फेसबुक का अलग काम है, यूट्यूब का अलग काम है, लिंक्डइन का अलग काम है, ट्विटर का अलग काम है, तो सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सबका अलग काम है राइट। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके बिजनेस का एग्जैक्ट गोल क्या है। क्या आप लीड जनरेट करना चाहते हैं क्या, या फिर आप प्रमोशन करना चाहते हैं, या आप अपने जो ऑडियंस है उनके डेमोग्राफिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके उसके अकॉर्डिंग भी आप चीज़ों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको सेल्स के लिए एड रन करानी है। अब आप क्या कर रहे हैं सेल्स के लिए जब एड रन करानी है, तो हो सकता है कि जो साउथ के लोग हैं वो हिंदी को कम समझते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की बात करें हिंदी ज़्यादा चलती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट कर सकते हैं और वहां पे उस लोकल लेवल के लैंग्वेज में आप एड को रन करा सकते हैं। तो आपको अपना जो डेमोग्राफिक है उसको डिफाइन करना होगा, इसके साथ साथ जो बिजनेस गोल्स हैं उनको आपको सेलेक्ट करना होगा, उसके बारे में जानना होगा। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिसोर्सेज की लिमिट्स क्या हैं। देखिए सबकी अपनी लिमिट्स है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ट्विटर से वहां से लीड जनरेट कर लूं, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे ज्यादातर जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं वही होते हैं, और वहाँ से वहाँ पे रिसोर्सेस लिमिट है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्ट काम क्या है, फिर आपको देखना पड़ेगा अपने माइंड में कि कौन कौन से रिसोर्सेस अभी अवेलेबल हैं जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग यूजेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक का अलग यूज़ है, यूट्यूब का अलग है, ट्विटर का अलग है, इंस्टाग्राम का अलग है। आजकल की यूथ इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई है राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर एक प्लेटफॉर्म अपने आप में डिफरेंट है, लेकिन सबका नाम क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स राइट। इसके साथ साथ आपको देखना होगा कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपका जो मार्केटिंग गोल है वो उसके साथ अलाइन होता है या फिर नहीं होता है। सो आई होप कि ये जो सोशल मीडिया के जो टिप्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। आपने बहुत कुछ इस सेशन से सीखा होगा। अगर आपको सुझाव या सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।